पंख लगा के उड़ चला ओ तुझ में मैं हूं। तो रील्स पे कुछ इस तरह का एनिमे वीडियो काफी ज्यादा वायरल कर रहा। आप भी अगर कुछ इस तरह का एनिमे वीडियो बनाना चाहते हो, अगर आप डिस्कॉर्ड से बना भी रहे हो लेकिन आपको काफी सारा प्रॉब्लम आ रहा है, आप कैसे उसे ठीक कर सकते हो? उसे आप ठीक नहीं कर सकते हो अगर आप डिस्कॉर्ड से बना रहे हो। यहाँ पर आपको जो भी क्रेडिट रहेगा वो आपका अगर जीरो रहेगा तो यहाँ पर आपको वीडियो नहीं बना सकते हो। और यहाँ पर आपको मैसेज में भी काफी सारा दिक्कत हो रहा है, इस तरह का कट हो रहा है। यहाँ पर आपको कैसे बनाना है इसका मैं आपको ट्यूटोरियल नहीं देने वाला हूँ, आपने काफी सारा वीडियो देख भी लिया होगा। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो कैसे बना सकते हो, चलिए आगे जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पर आपको फिकवल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पहले से इसे डाउनलोड करके रखा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं इसे मोड एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, और मोड एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा आपको पता ही होगा। यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक कर लेते हैं, नीचे आपको प्लस पे क्लिक कर लेना और जो भी वीडियो का बनाना चाहते हो उस वीडियो को आपको ऐड कर लेना। अगर आप यहाँ पर डिस्कॉर्ड से बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 से 3 सेकंड का वीडियो बना सकते हैं, लास्ट आपको 10 सेकंड रहेगा शायद। वहाँ पर आपको लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर आप लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हैं, 1-1 मिनट का वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 सेकंड का वीडियो है, तो यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा और आपको वेट करना होगा। इसका म्यूजिक यहाँ से मैं म्यूट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट में आपको चले जाना है। जैसे इफेक्ट में जाएंगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने मिलेगा, देख सकते हैं। और जो भी फिल्टर रहेगा यहाँ पर आपको डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आप पहली बार यूज करेंगे। यहाँ पर मैं पहले ही 2-3 बार ओपन कर लिया हूँ इसलिए मेरा जल्दी आ चुका, नहीं तो आपको थोड़ा वेट करना है, फिल्टर को डाउनलोड होने देना है पूरा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्लाइड कर लेना और AI में आपको चले जाना है। जैसे AI में जाएंगे यहाँ पर आपको कार्टून का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना, कुछ इस तरह का आपको वीडियो देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना और ये प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका और कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एडजस्ट में आपको चले जाना और यहाँ से एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। तो इसे करीब यहाँ पर मैं 38 कर लेते हैं, अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सिंपल तरीके से आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं और ये आपको कुछ इस तरह का अलग से देखने मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टिक कर लेना और यहाँ से आप देख सकते हैं HD में ये वीडियो एक्सपोर्ट होने वाला है, आपको अच्छा क्वालिटी देने वाला है। और जो भी इसका म्यूजिक रहेगा वो थोड़ा आपको स्लोली सुनाई देगा, आपको फिर से एक्सपोर्ट करके उसे आपको किसी भी एप्लीकेशन में सॉन्ग को ऐड करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना, नेक्स्ट पर क्लिक करके तो वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्टिंग हो रहा, थोड़ा वेट कर लेते हैं फिर से। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना और जो भी वीडियो यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को आपको यहाँ से ऐड कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो मेरा ऐड हो चुका है। और ऐड करने के टाइम और एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर बैक कर लेते हैं जो आपको वीडियो और भी ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा देखने मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर ऐड करेंगे नीचे आपको HD का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना, वीडियो आपका और भी HD में आपको देखने मिलेगा। तो कुछ इस तरह का वीडियो है, देख सकते हैं। और इसका साउंड आप देख सकते हैं काफ़ी स्लोली आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका साउंड पहले से म्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको म्यूट कर लेना और नीचे ऐड ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना, एक्सट्रेट पे आपको चलेना और जो भी इसका ओरिजिनल साउंड रहेगा उसे आपको ऐड कर लेना। तो इसका ओरिजिनल साउंड ये वाला है, इसे मैं यहाँ पर ऐड कर लिया। तो देखते हैं ये वीडियो मेरा कन्वर्ट हो चुका है, ओरिजिनल साउंड यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो कुछ इस तरह का आपको वीडियो देखने को मिल रहा। तो इस तरह आप वीडियो बना सकते हैं और यहाँ पर आपको इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर लेना, जो भी साइज में इसे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, और यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करके रील्स पे अपलोड कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल तरीके से इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। अगर आप डिस्कॉर्ड से बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ रहा होगा, इस एप्लीकेशन से काफ़ी सिंपल तरीके से वीडियो को एडिट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इस चैनल पर आपको कुछ इस तरह का ट्यूटोरियल देखने मिलेगा। तो चलिए ऐसे मिलेगा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।